press the bell icon on the YouTube app and never miss another हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं इस वीडियो में यह बताने वाला हूं कि दोस्तों अभी जो फेसबुक में रिसेंटली अपडेट आया कि 5 मिलियन फेसबुक आईडी जो हैक हुए थे, दोस्तों मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यह बताने वाला हूं कि अभी जो फेसबुक में जो स्कैम चल रहे हैं, जो फिल्टर का जो यूज़ हो रहे हैं, दोस्तों अभी क्या है, अगर आप मैसेंजर में एक फ़ोटो सीन कीजिएगा, वो फोटो आपने शो हो रहा होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो वीडियो का लिंक दे दूँगा, प्लस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं कि ये फोटोज़ है। इस फोटोज़ को आप मैसेंजर पे किसी भी फ्रेंड को अगर सेंड कीजिएगा तो आपकी आईडी 72 आवर्स के लिए बंद हो जाएगी, या फिर 15 दिन के लिए भी बंद हो सकती है, या फिर आईडी आपका परमानेंटली फेसबुक से डिलीट हो सकती है। दोस्तों ये क्यों हो रहा है कि दोस्तों फेसबुक का जो एल्गोरिथम है उसमें कुछ कुछ फोटोज़ हैं, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ कि कुछ सिमिलर फोटोज़ हैं। इस फोटोज़ को आप अगर किसी फ्रेंड को अगर सेंड कीजिएगा, चाइल्ड एब्यूज़ और भी कुछ कैटेगरीज में आता है जो फेसबुक में पहले से ही बैन कर रखे हैं, यानी ये जो फोटो आपके सामने जो शो हो रहा है, इस फोटो को आप किसी फ्रेंड को अगर सेंड कीजिएगा तो क्या होगा कि उसकी आईडी तो सेफ रहेगी, ठीक है, आपका आईडी ब्लॉक 72 आवर्स के लिए, या फिर 15 दिन के लिए भी आईडी ब्लॉक हो सकती है, या फिर परमानेंटली आईडी ब्लॉक हो जाएगी। तो दोस्तों इससे बचे कैसे? सबसे पहले दोस्तों, अगर आप एक गलती से भी फोटो अगर सेंड कर दिए हैं मैसेंजर के थ्रू किसी भी फ्रेंड को, तो आपकी आईडी क्या है कि परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। तो आपको स्क्रीन में ऐसा दिखा रहा होगा, दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं, आपको वीडियो में दिखा रहा होगा, यहाँ पे आएगा यह टेम्परली ब्लॉक फॉर फेसबुक, यानी दोस्तों फेसबुक ने यह आप पर मतलब लाव कर दिया है कि अगर आप इसको अगर सेंड कर रहे हैं फेसबुक में तो आपको 72 घंटे तक आपका फेसबुक आईडी ब्लॉक रहेगी, यानी आप 72 घंटे तक फेसबुक पे कुछ भी अपलोड नहीं कर सकते हैं। दोस्तों कुछ कंडीशन है इसलिए फेसबुक वाले ने लगा कर रखे हैं। तो क्या करना, अगर आपकी आईडी अगर वेरीफाइड अगर है तो सिर्फ इसमें कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। अब रही बात जिस बंदे की आईडी वेरीफाइड नहीं है तो वो क्या करें, दोस्तों उसके लिए ये अवेलेबल है फेसबुक में बहुत पहले से ही। आप सबसे पहले अगर आपकी आईडी में ऐसा प्रॉब्लम है तो फेसबुक में सेटिंग में जाने के बाद आपको हेल्प में जाना है। हेल्प में जाने के बाद क्या होगा कि आपको आईडी वेरीफाइड करने की ऑप्शन होगा, तो आपने आधार कार्ड से, पैन कार्ड से, अच्छा सेम नेम, यानी जो फेसबुक में आपका जो नाम है और जो डेट ऑफ बर्थ है आपका, जो आप जो अपलोड कीजिएगा वेरीफाइड के लिए, सेम वही रहना चाहिए। अगर वो अगर है तो क्या होगा कि आपका आईडी ओपन हो जाएगी, अदरवाइज फेसबुक से परमानेंटली आपकी आईडी डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों अगर गलती से भी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सिमिलर फोटोज़, ये फोटोज़ फेसबुक में अपलोड ना करें, किसी भी दोस्तों को सेंड भी ना करें, अगर ऐसा करते हैं तो आपकी आईडी डिलीट हो जाएगी। दोस्तों ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा कि दोस्तों बहुत सारे फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किए, कॉल भी किए कि भाई आप इसका कुछ सोल्यूशन बताइए कि इससे बचे कैसे। दोस्तों मैंने इस वीडियो में बता दिया है, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक्स एंड गुड बाय।